Good morning, students. This is Geeta from DAV Jakal, and welcome back again to English Literature class. So, in previous lecture, we discussed the chapter number 8, and this is a play and written by Rupa Gupta, and we read the scene 1 in previous lecture. So today we will read scene 2. Scene 1 में मैं आपको briefly बताती हूँ क्या हुआ था कि रूपा है उसकी डिज़ायर होती है स्टेज पर परफॉर्म करने की, बट somehow या उसकी स्क्विकी आवाज़ के लिए उसको कोई रोल नहीं मिल पाता. बट उसको क्या रोल मिलता है, मंकी का, वानर सेना में एक मंकी का रोल मिलता है. तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है. तो वो कहते हैं कि उसके टीचर को कहते हैं कि मुझे एक भी डायलॉग नहीं मिलेगा. तो वो कहते हैं कि आपको क्या बोलना है, जय हनुमान जय राम. सो अब सीन टू में देखते हैं क्या होता है. सीन टू में क्या होता है, एट द बैक स्टेज ऑन द एनुअल डे. एनुअल डे पे बैक स्टेज पे का सीन है ये. एवरी वन इज बिजी ड्रेसिंग अप एंड एंटर्स चौकीदार. कहते हैं सभी अपना तैयार होने में बिजी थे, तभी एक चौकीदार आता है. चौकीदार कहते हैं, टीचर Someone asked me to deliver this letter to you. So वो कहता है उसको hands over a piece of paper. तो अपना जो उसके पास paper होता है वो hand over कर देते हैं. Now let's see what was written in that piece of paper. Teacher, an application reading aloud. Application होती है और वो loudly पढ़ते हैं. Dear madam, I am very sorry to inform you that कि मुझे ये क्या बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है. दैट अलका हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मिसल्स एंड हैज़ बिन रनिंग अ हाई टेम्परेचर सिंस मॉर्निंग. कहते कि अलका को क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब अटैक करना या पकड़ लेना, मतलब स्नेजिंग. और जो हम कहते हैं ना मिसल्स, कह देते हैं कि उसको स्नेजिंग और कफ की प्रॉब्लम हो गई है. तो उसको वो भी प्रॉब्लम हो गया और उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार है. Since morning means morning से. Sorry, I will not be able to act in the play. कहते कि मैं वो sorry, she will not be able to act in the play. तो वो play में act नहीं कर पाएगी. She sits down in a chair. तो जो teacher पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर बैठ जाती है, क्यों वो थोड़ा हो जाती है कि अब now what will happen. तो what, अलका will not come. तो कहते कि अलका नहीं आएगी. What shall we do, हम क्या करेंगे. How will we perform, हम कैसे perform करेंगे. The story of Rama without Hanuman, मतलब राम की story हनुमान के बिना. Looks around in, इतना कहते हुए वो चारों तरफ देखती है. And dismay at her eyes fall on Rupa. तो उसकी उनकी नज़र किस पे पड़ती है, रूपा. तो रूपा को कहती है that Rupa, you look here. You wanted to be Hanuman, na? Didn't you? कहते कि तुम हनुमान बनना चाहते थे. Do you think you can manage? कहते कि तू सोचती है कि तुम्हें manage कर लोगे. Rupa excited, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता. तो वो कहते me, speaking to herself, अपने आप को बोलते हुए. Is my dream coming true? कहते क्या मेरा सपना पूरा होने जा रहा है. Teacher, can you manage it? तो कहते हैं रूपा, ऑफ कोर्स आई कैन मैम. तो टीचर कहती है, डू यू रिमेंबर द डायलॉग्स. कहते हैं आपको डायलॉग्स रिमेंबर है रूपा. नो बट आई कैन ऑलवेज थिंक अप समथिंग. कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ सोच लेती हूँ बोलने के लिए. टीचर, ओ नो, यू शैल सर्टेनली नॉट डू एनी सच थिंग. कहते हैं आपने ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना. आई शैल बी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स. दिस प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स इज अ फ्रेज. हमने इसको कैसे यूज़ किया है कि जैसे बैक स्टेज पे खड़ के कोई डायलॉग्स बोले और उसको रिपीट करना. सो प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स इज नोन एज दैट. ठीक है, कि जब हम बैक स्टेज पे कोई टीचर या कोई आपका हेल्पर हो तो आपके वो डायलॉग्स बोलेगा, आपने उनको रिपीट करना है. तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया गया है, प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स. ऑल यू हैव टू डू दिस इज टू रिपीट व्हाट आई से एंड फॉर गॉड सेक डोंट मंबल. कहती कि बस आपको यही रिपीट करना है और भगवान के लिए कुछ गड़बड़ मत करना. स्पीक एज और मम्बल मतलब कुछ ऐसा मत करना. एंड स्पीक एज लाउडली एज यू कैन.
तो कहते कि जितना आप लाउडली बोल सके उतना लाउडली बोलना। तो नाउ आगे क्या होता है, रूपा। अब रूपा क्या कहती है, डोंट वरी टीचर आई विल स्पीक लाउड इनफ। कहते कि आप परवाह मत करो, तो मैं क्या करूँगी, जितना लाउड हो सका उतना लाउड बोलूँगी। ठीक है, ये इस में मम्बल का मतलब कहना होता है कि चुप रहना, कहते मतलब डंप मत बन के मत खड़े हो जाना। नाउ कम टू सीन थ्री। अब देखो वो रूपा तैयार हो जाती है हनुमान का रोल प्ले करने के लिए। अब सीन थ्री में क्या होता है, स्टेज पे परफॉर्म करने की बारी आती है। द कर्टन गोज अप एंड द टीचर पुशेस द रूपा ऑन द स्टेज। जैसे कर्टन्स उठते हैं तो टीचर क्या करता है, रूपा को स्टेज पे पुश कर देती है। शी ऑलमोस्ट फॉल्स ऑन हर फेस। तो मतलब गिरने वाली होती है, मतलब गिरते नहीं है अपने फेस के, ऑलमोस्ट फॉल्स ऑन हर फेस। ड्रम्स आर इकोइंग एंड हर हैंड्स आर फीट्स आर कोल्ड। ड्रम बजते हैं और उसके हाथ पैर जो है डर के मारे ठंडे हो जाते हैं। शी ओपन हर माउथ टू से द लाइन्स बट कांट रिमेंबर। वो अपना मुंह खोलती है कुछ लाइन्स बोलने के लिए, डायलॉग्स बोलने के लिए, पर उसको कुछ याद नहीं रहता, बिकॉज ऑफ मतलब उसके जो डर जाती है, घबरा जाती है रूपा। माई लॉर्ड रामा गॉड रामा, इतनी लाइन बोलती है। तब टीचर पीछे से प्रॉम्प्ट करता है, मतलब उनको कहता है कि हाँ मैं बोलती हूँ तू मेरे पीछे बोलो। माई लॉर्ड रामा आई एम योर सर्वेंट आई वुड ग्लैडली डाई फॉर यू। तो रूपा इस बात को सुनती है, हियरिंग द प्रॉम्प्टिंग एंड हीव्स अ साई ऑफ रिलीव। हीव्स अ साई ऑफ रिलीव मतलब गहरी सुख की सांस लेना, थोड़ा रिलीफ की सांस लेना। माई लॉर्ड आई एम योर सर्वेंट आई वुड ग्लैडली डाई फॉर यू। तो वही चीज़ उसको वो कॉपी करके इमिटेट करके बोलती है। नाउ कहते कि कहते वो राम राम को डायलॉग बोलती है कि हे भगवान मैं तेरा सर्वेंट हूँ, मैं आपका सर्वेंट हूँ और मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, खुशी खुशी अपनी जान भी दे सकता हूँ। टीचर यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल। अब टीचर क्या बोलता है पीछे से, टीचर ये डायलॉग नहीं बोलता, टीचर ये कहता है कि तू तो अपनी पूंछ लगाना भूल गया। रूपा को बोलते हैं वो, ठीक है, टीचर रूपा को क्या बोलते हैं कि यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल। तो रूपा को ये लगता है कि दैट इज अ डायलॉग, तो वही चीज़ वो रिपीट कर देता है, रिपीटिंग यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल। तो राम कहते डोंट बी सिली आई एम नॉट सपोज टू हैव अ टेल, यू आर फॉरगॉटन यूअर्स। कहते भी पागल मत बनो, कहते कि मेरे मेरे पास टेल नहीं है, मेरी टेल नहीं है। आई एम नॉट टू सपोज, कहते कि मेरे पास टेल नहीं है, मैंने नहीं लगानी, आप अपनी भूल चुके हो। रूपा टचिंग द स्पॉट, उस एरिया को टच करती हुई जहाँ पर टेल लगती होती है, वेयर द टेल शुड हैव बीन, उसको टच करते हुए कहती है आई एम सॉरी माई लॉर्ड। तो वो कहते कि माई लॉर्ड सॉरी आई मेड माई टेल, कि मैं अपनी टेल लगाना भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन टू पिन माई टेल। अ रोर ऑफ लाफ्टर फ्रॉम द ऑडियंस इज हियर। इतना ही सुनते सारे जो ऑडियंस है वो जोर जोर से हंसने लगती है। टीचर नाउ जंप, टीचर कहते कि अब जंप करो। रूपा रादर देन जंपिंग वो बोल देती है नाउ जंप। रामा रामा शाउट करते बोलता है यू जंप स्टूपिड, कहते कि आप जंप करो। रियलाइजिंग हर मिस्टेक रूपा स्टार्ट जंपिंग लाइक अ मैड पर्सन। उसको पता लगे कि मेरे को जंप करना था ना कि बोलना था नाउ जंप, तो वो पागलों की तरह जंप करने लग जाती है और ऑडियंस है इतने में बहुत ज़्यादा हंसती है और इतने में पर्दा जो है गिर जाता है। द टीचर स्कोल्ड रूपा फॉर मैसिंग अप एवरीथिंग एंड टेल्स हर दैट शी वुड कट शॉर्ट हर रोल। रूपा अपोलोजाइज, कहते हैं कि अब टीचर उसको डांटते कि तूने सब कुछ गड़बड़ कर दी, मैसिंग अप मतलब सब कुछ गड़बड़ मिक्स कर दिया। तो कहते हैं कि वो कहती है तेरा शॉर्ट कट जाएगा अगर तूने ऐसे ही किया। तो रूपा उसके लिए क्या करती है, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगती है। सो सीन फोर। अब सीन फोर में क्या होता है, कर्टन दोबारा से उठता है। सीता एंड हनुमान आर टॉकिंग इन अ अशोक वाटिका। जैसे हनुमान जो है सीता को अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सीता हनुमान आपस में बातें कर रहे होते हैं। सीता कहती है हु आर यू, रूपा आई एम
लॉर्ड रामा सर्वेंट, कि कहते कि मैं लॉर्ड रामा का सर्वेंट हूँ। मदर कहते कि आई हैव कम, और कहते माता मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। आई हैव कम टू हेल्प यू सीता, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, कहते मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूँ रूपा, दिस रिंग इज लॉर्ड रामास, कहते जो ये अंगूठी है ये भगवान राम की है। ही हैड आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये रिंग मैं आपको दे दूँ। कहती है ओ यस माई लॉर्ड रामा रिंग, कहती हाँ ये तो मेरे भगवान राम की रिंग है। तो वो अपना फेस अपने हाथों में छुपाती है, जैसे अपने मुंह को अपने हाथों से कवर करती है और रोने लग जाती है। टीचर प्रॉम्प्ट करती है स्पीक योर डायलॉग्स नाउ, स्पीक माई ब्यूटी इज माई पे, कहते कि अब कहती वो टीचर कहते कि अपना डायलॉग बोलो, तो कहते कि माई ब्यूटी इज माई बैन, तो कहते कि जो मेरी सुंदरता है वो मेरा शाप है। रूपा थिंकिंग दैट इट वॉज, रूपा सोचते कि ये मेरी टर्न है ये लाइन बोलने की, तो रूपा कहती है स्पीकिंग जेंटली माई ब्यूटी इज माई बैन, इट इज बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी दैट विक्टर रावणा वॉन्ट टू मैरी मी। हनुमान का रोल होते हुए भी रूपा ये लाइन बोल देती है कि यार अब जो रावणा है जो वो मुझसे शादी करना रहता है बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी। सीता कहती है व्हाट स्टार्टेड नॉट यू यू इडियट, कहती कि तू नहीं इडियट, ही वॉन्ट्स टू मैरी मी, वो मुझसे शादी करना चाहती है। आई एम सीता, आई एम ब्यूटीफुल, कहती सीता मैं हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। तो सीइंग द स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन रूपा रियलाइजेज हर मिस्टेक, तो रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है। रूपा ओ आई मीन योर ब्यूटी इज योर बैन, तो कहते कि आपकी जो ब्यूटी है आपके लिए अभिशाप है। इतने में रावण एंटर करता है, तो क्या होता है वेलकम महाराज, हाँ महाराजा इज कमिंग, तो इतने में आवाज़ सुनती है ठीक है कि महाराज जो है आ रहे हैं, रावण द ग्रेट इज हियर, जो रावण है वो पधार रहे हैं। द ह्यूज फिगर विद द शाइनिंग स्वॉर्ड इन हैंड एंटर्स, तो उसके हाथ में जो तलवार होती है शाइनिंग तलवार चमकती तलवार होती है। रावणा हु इज दिस पुनी क्रीचर हु डेयर्स टू इंट्रूड माई इंटू माई किंगडम, रावणा कहता है कि ये क्रीचर कौन है, अजीब सा प्राणी कौन है जिसने मेरे राज्य में आने की हिम्मत की। टीचर अब प्रॉम्प्ट करते हुए बोलता है स्पीक आई एम द सन ऑफ पवन देव द विंड गॉड द वर्शिपर ऑफ राम एंड इमोर्टल हनुमान। तो अब ये डायलॉग जो होता है रूपा के लिए होता है, बट वो कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि मैं पवन पुत्र हूँ और भगवान राम का वर्शिपर हूँ, मतलब उनकी पूजा करने वाला हूँ, और इमोर्टल जो मरता नहीं हनुमान हूँ। रूपा स्टैंड, रूपा डम खड़ी रहती है, चुप खड़ी रहती है, लुक्स अबव एट द रावणा, और रावण की तरफ देखती है, हु इज टावरिंग ओवर हर, जो उसको मतलब पॉइंट आउट कर रहा होता है। रावणा इन थंडरिंग वॉइस मतलब गरजते हुए बोलता है हु इज स्मॉल क्रीचर रेजेस हिज शाइनिंग स्वॉर्ड टू अटैक हनुमान, तो अपनी तलवार निकालता है उसको अटैक करने के लिए भी, ये स्मॉल क्रीचर कौन है। इतने में क्या होती है रूपा स्क्रीम्स इन टेरर, घबरा के कांपते हुए चिल्लाती है नो नो आई एम नॉट हनुमान, मैं हनुमान नहीं हूँ, मुझे मत मारो, डोंट किल मी, पुलिंग हर मास्क ऑफ, उसने मास्क डाला होता है ना हनुमान का, तो वो अपना उतार देती है। आई एम नॉट हनुमान सी आई एम रूपा नॉट अलका, कहती है मैं रूपा हूँ अलका नहीं हूँ, क्योंकि प्रीवियसली ये रोल अलका को मिला होता है। द ऑडियंस रोल्स विद लाफ्टर, तो ऑडियंस अब बहुत जोर से हंसने लगे थे। एंड इनफ्यूटेड टीचर, इनफ्यूटेड मीन्स क्या होता है जो मतलब क्रोधित कह सकते हैं, गुस्से गुस्से में टीचर आता है और उसको रूपा को स्टेज से ले जाता है, ड्रैग्स रूपा ऑफ द स्टेज। तो यहीं पे क्या होता है प्ले का एंड होता है। सो दिस इज अ चैप्टर 8, एंड ये चैप्टर आपका सारा आपके लिए ट्रांसलेट किया गया है। नाउ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एट योर होम एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जो भी मीनिंग मैंने वाइल्ड ट्रांसलेटिंग बताए हैं उनको हाईलाइट करना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड ट्राई टू फाइंड बुक वर्क ऑफ दिस वर्क दिस चैप्टर एंड दैट्स इट, एंजॉय योर ई लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।